प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना छठा पाठ वचन का पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आज हम न केवल अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न करेंगे, बल्कि हम अपना ज्ञान परखो के भी कुछ प्रश्न करेंगे, जो कि हमें पाठ एक से लेकर छः तक के सभी व्याकरण संबंधित अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं पाठ 6 वचन के कुछ अतिरिक्त प्रश्न, जो हमने हमारे जो पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन वह हमारे पुस्तक के ही, तो इनका अभ्यास करेंगे। ये केवल अभ्यास के लिए ही, मैं चाहूँगा आप अपनी नोटबुक या रफ कॉपी से निकाल लें और साथ साथ करें, ताकि आपको पता चले कि आपने अभ्यास कितना अच्छा किया है, आपको साथ साथ इसका ज्ञान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे वचन बदलना, बहुवचन बनाना। तो ये अभ्यास का पहला प्रश्न है हमारा। इसमें क्या करना है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के, निम्न लिखित शब्दों के, शब्दों के बहुवचन रूप लिखे, बहुवचन रूप, बहुवचन लिखे। तो पहला है हमारा आप इसे अपनी रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं, और फिर हम इसे एक एक करके आपको बाद में हल करके बताऊंगा। आप सबसे पहले प्रश्नों को नोट कर लें, और उसके बाद आप इसका, मैं शब्द लिख रहा हूं, उसके बाद आपको बहुवचन रूप लिखना है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न एक, शब्द दिया गया है पैसा, शब्द है पैसा, इसका आपको बहुवचन रूप लिखना है। दूसरा है गमला, अगला है रात, फिर है रोटी, और फिर है कथा। हमें इनका बहुवचन, एक वचन दिया हुआ है, बहुवचन रूप लिखना है। ठीक, इसी तरह आप इसे नोट कर लीजिए। इसके अलावा भी मैं लिख रहा हूं, कक्षा, उसके बाद है बात, फिर है घोड़ा, बेटी और नदी। तो हमने एक वचन शब्द आपको दे दिया है, आपको इसका बहुवचन रूप लिखना है। एक वचन आपको दे दिया गया है, आपको इसका बहुवचन रूप लिखना है। तो एक बार मैं प्रश्नों को पढ़ देता हूं। पैसा,
बहुवचन लिखना है, गमला, रात, रोटी, कथा, ये सभी एक वचन है। और ठीक उसी तरह हम कहेंगे कक्षा, बात, घोड़ा, बेटी, ये भी एक वचन है। हमें इनका बहुवचन रूप लिखना है। आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब आप इसे लिखना शुरू करें और उसके बाद आप इसे देखिएगा। तो मैं इसका बहुवचन रूप लिखता हूं ताकि आप इसे देख सकें। तो पैसा एक वचन है, इसका बहुवचन होता है पैसे। पैसा का बहुवचन होता है पैसे। पैसा एक वचन है, पैसे बहुवचन। गमला, गमला का बहुवचन होता है गमले। रात का बहुवचन होता है रातें, रातें। रोटी का रोटियां, इसमें मात्रा बदल जाएगी। टर्ब में जो बड़ी की मात्रा है छोटी ही में बदल जाती है, आपको पता है। रोटियां, कथा, कथाएं। कथा का होगा कथाएं, कथा, कथाएं। कक्षा, कक्षाएं। ठीक उसी तरह कथा की तरह कक्षा, कक्षाएं। बात, बातें। बात, बातें। घोड़ा, घोड़े। बेटी, बेटियां। इसमें भी बड़ी ही है, बेटियां बनाते समय आपको पता है ये जो बड़ी ही छोटी ही में बदल जाता है और यहां लगता है, तो बेटियां। तो ये थे हमारे शब्द, हमने इसका बहुवचन रूप बनाया। तो हमें इसी तरह अभ्यास बनाए रखना है और तभी हम इन्हें कर सकते हैं। तो ये था हमारा अभ्यास का पहला प्रश्न। अब चलते हैं कुछ अतिरिक्त वचन से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न करेंगे और ये बहुत आसान है, जैसा कि आपको पता ही है। ये है हमारा उचित शब्द से वाक्य पूरे। ये वाक्य आपको पूरे करने हैं और हम दो शब्द दिए रहेंगे, एक वचन और बहुवचन। आपको उचित शब्द का प्रयोग करना है ताकि जो वाक्य है पूरे किए जा सके। ये हमारा दूसरा प्रश्न, आप इसके लिखेंगे उचित शब्द से, उचित शब्द से वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो, शब्द कौन कौन सा दिया है हमारे वाक्य पे ध्यान दीजिए। पहला वाक्य शुरू कर रहे हैं, स्थान दिया हुआ खाया पूर्ण विराम शब्द है केले, केला। अभी आप इसे नोट कर लेंगे और साथ साथ करेंगे। मैं बाद में इस रिक्त स्थान को भरूंगा, पहले मैं वाक्य बना रहा हूं उसके बाद हम इसे करेंगे। आप इसको मेरे से पहले कर लें।
तो आपको इसको नोट करना है और सही शब्द का चुनाव करके वाक्य को पूरा करना है। दो शब्द दिए हैं इसमें, एक है इनमें एक सही है विकल्प, एक गलत विकल्प। आपको सही विकल्प का चुनाव करके वाक्य को पूरा करना है जिससे कि ये वाक्य सही हो। ये वचन पर आधारित रिक्तस्थान है, या हम कहेंगे प्रश्न जो है वचन पर आधारित है। तो पहले ध्यान से वाक्य को पढ़िए, फिर सही शब्द का चुनाव करके लिखिए। मैं दूसरा वाक्य लिखता हूँ। स्थान से शुरू हो रहा है, घास खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, पूर्ण विराम, घोड़ा स्थान है, घास खा रहे हैं, आपको सही चुनाव करना है। तीसरा हमारा वाक्य है, स्थान है लिखेंगे, पेंसिल बहु और दूसरा विकल्प है, पहला विकल्प है पेंसिल, दूसरा है एक और वाक्य में लिखा देता हूं। अगला है हमारा वाक्य, सड़क पर स्थान दौड़ रहा है, पूर्ण विराम, विकल्प है दो, पहला है बच्चे, दूसरा विकल्प है बच्चा। सड़क पर दौड़ रहा है बच्चे, बच्चा, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब आप इसे, मैं इसे हल करूंगा, बहुत ही सरल था। आपको इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे परीक्षा में, इसमें आपको उचित शब्द का चुनाव करना है। दो विकल्प दिया है, उसमें एक विकल्प सही है, दूसरा विकल्प है वो गलत है। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करके ये वाक्य पूरा करना है, सही विकल्प का चुनाव करके वाक्य को पूरा करना है। तो रोहन ने रिक्तस्थान खाया, खाया बता रहा है कि जो यहाँ पे कौन सा संज्ञा सही होगा, एक वचन कौन है, खाया हम लोग एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं, तो केला हुआ, रोहन ने केला खाया।
तो सही कौन सा विकल्प है? केला। तो हम इसे लिख रहे हैं केला। दूसरा है रिक्तस्थान घास खा रहे हैं, तो हमें खा रहे हैं से पता चला, क्रिया के स्वरूप से क्या पता चला कि ये घोड़े एक से अधिक हैं, तो बहुवचन ये है, तो घोड़े हम लिखेंगे घोड़े। घोड़े घास खा रहे हैं। तीसरा है मेरे पास पांच हैं, पेंसिलें, मेरे पास पांच पेंसिलें हैं, बहुवचन है, जैसे पांच से हमें पता चलता है कि एक से अधिक पेंसिल की संख्या है, तो हम पेंसिलें लिखेंगे बहुवचन, पेंसिलें हैं। सड़क पर रिक्तस्थान दौड़ रहा है, दौड़ रहा है एक वचन है, तो बच्चा यहाँ पे एक वचन है, हम बच्चा लिखेंगे, सड़क पर बच्चा दौड़ रहा है, सड़क पर बच्चा दौड़ रहा है। तो ये था हमारा उचित शब्द का चुनाव करके पूरा करना है। इसके बाद बच्चों आज हम आपका करेंगे, ये हो गया हमारे वचन पे आधारित प्रश्न। अब है आपको अपना ज्ञान परखो की तरह अलग अलग पार्ट्स के भी जो प्रश्न मिला के आने चाहिए। हमने देखा है कि बच्चे अगर पाठ के अनुसार करते हैं तो आसानी से कर लेते हैं, अगर पांच पाठों के पांच या छह पाठ के अगर प्रश्नों को मिला के किया जाए तो बच्चों को कभी कभी परेशानी हो सकती है। तो हम आज इसी तरह अपना ज्ञान परखो की तरह ही कुछ और प्रश्न कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। अब इसमें हमारे एक से लेकर छह पाठ तक के अभ्यास प्रश्न हैं और ये बुक से अतिरिक्त होंगे, ये जो प्रश्न होंगे वो बुक से अतिरिक्त प्रश्न हैं, ताकि आपका अभ्यास बना रहे, आप किसी भी तरह के प्रश्न कर सकें। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि अगर आपने आपको व्याकरण समझ आ गया तो आप किसी भी तरह के प्रश्न कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा अभ्यास का अगला प्रश्न है, जो कि अपना ज्ञान पक्षों की तरह सभी पाठों से मिला जुला। तो जैसे संज्ञा की बात करें, संज्ञा शब्द लिखो। अब संज्ञा शब्द लिखो, अब इसमें दो मित्रों के नाम लिखो, तो आप अपने दो मित्रों के नाम लिखना है। पहला है दो मित्रों के, आपको पता है संज्ञा नाम को ही बोलते हैं, तो दो मित्रों के नाम ये नाम लिखो। तो ये है हमारे, हमें दो नाम लिखने जो आपके मित्र हैं उनके दो मित्रों के नाम लिखने, और नाम ही संज्ञा होता है आपको पता है। दूसरा है दो शहरों के नाम, दो शहरों के नाम, स्थान भी संज्ञा होता है, दो शहरों के नाम लिखो। तो आप कोई भी दो शहर के नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखवाया हो वही नाम लिखना है, आप कोई किसी भी दो शहर, चाहे वो भारत में हो चाहे विदेश में हो, आपको कोई दो शहर के नाम लिखने हैं। तीसरा है दो नदियों, नदियों का नाम भी संज्ञा ही होता है, दो नदियों के नाम भी लिखने, दो नदियों के नाम लिखो। तो कोई भी दो नदी जो आपको याद है आप उसका नाम लिख सकते हो। और हमारा चौथा है दो पशुओं के नाम, कोई भी पशु चाहे वो पालतू पशु हो चाहे जंगली, तो दो पशुओं के भी नाम लिखना है और
पशुओं का नाम भी संज्ञा होता है, पशुओं के नाम लिखो, के नाम लिखो। तो इसमें आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, आप जैसे मित्र, आपके कोई भी जो दोस्त हैं, चाहे वो स्कूल के हों चाहे आपके घर के हों, आप उनका नाम लिख सकते हैं। इसके इस तरह के प्रश्न के अंदर कोई ये नहीं है कि जो मैंने लिखाया है, जो आपने कॉपी पे लिखा है उसी को लिखना है, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें आप अपने मन से भी नाम लिख सकते हो। जैसे इस प्रश्न को आपको, आपके पास कोई बुक की जरूरत नहीं है, जो आपको पसंद है, जो आपके दोस्त हैं, आपके तो बहुत सारे दोस्त हैं, आपको दो दोस्त के नाम लिखने, जैसे आप, जैसे मैं लिखा आर्यन, आर्यन आपका दोस्त है, या फिर सूरज आपका दोस्त है, आर्यन सूरज, आप किसी दो दोस्त का नाम, दो शहरों के नाम, आपको कितने सारे शहरों के नाम पता है, आप कोई भी दो शहर लिख सकते हो, जैसे नागपुर, कानपुर, दिल्ली, तो हम लिखेंगे जैसे आगरा, आगरा या दिल्ली आपको शहर है, दिल्ली कोई भी शहर, बस आपका स्पेलिंग आनी चाहिए, वर्तनी की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई शहर का नाम या वर्तनी की कोई शंका हो रही है तो शहर का नाम बदल दीजिए, उसे ही समझदारी कहते हैं। जैसे मुझे जैसे दिल्ली की स्पेलिंग नहीं आ रही, मैं दिल्ली नहीं लिख पा रहा, तो मैं इसके जगह कानपुर भी लिख सकता हूँ, वाराणसी भी लिख सकता हूँ, लखनऊ भी लिख सकता हूँ, इलाहाबाद या प्रयागराज भी लिख सकता हूँ। तो इसमें हम अपना बदल देंगे नाम, ताकि हमारी गलती ना हो। दो नदियों के नाम, किसी भी दो नदी, गंगा यमुना नर्मदा, नर्मदा नदी है, कोई भी और नदी, आसान गंगा नहीं, महानदी है भारत में, नदी का नाम महानदी, यमुना का डाल सकते हो, गोमती का डाल सकते हो, गंगा भी आपको पता ही है, नर्मदा है, ताप्ती है, तो किसी भी दो नदी का हमें नाम लिखना है, दो पशु के नाम। अब इसमें कोई नहीं बोला गया है कि पशु जंगली हैं कि पालतू हैं, तो जो कोई भी है, कोई भी दो पशु के नाम लिख सकते हो, चाहे वो जंगली हो चाहे वो पालतू। तो जैसे मैंने लिख दिया शेर और कुत्ता, तो कोई भी पशु का नाम लिख सकते हैं संज्ञा के तौर पे। अगला है कि अब हम चलते हैं लिंग बदलना, लिंग बदलो का एक अभ्यास कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लिंग बदलना। लिंग बदलना, बदलने का अर्थ क्या है? अगर वह दिया गया शब्द स्त्रीलिंग है तो हम उसे पुलिंग लिख देंगे, अगर दिया गया शब्द वह स्त्रीलिंग है उसे पुलिंग करेंगे, अगर पुलिंग है तो उसका स्त्रीलिंग रूप लिखें। तो लिंग बदलो का यही अर्थ होता है कि जो शब्द दिया गया है उसका हम विपरीत लिंग लिखते हैं। तो ये प्रश्न करते हैं, ये है, ये हमारा प्रश्न होगा दूसरा था ना, तो इसको लिखेंगे लिंग बदलो। कभी कभी आपको परीक्षा में आ जाएगा कि दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखो, तो पुलिंग शब्द दिया होगा उसका स्त्रीलिंग रूप, अगर कुछ नहीं दिया लिंग बदलो तो हमें उसका, हम कहेंगे विलोम लिंग लिखना होगा। तो लिंग बदलो, जैसे ये प्रश्न ही दिया है इसमें दोनों ही आपको मिलेंगे, लिंग बदलो। और इसमें कौन कौन सा दे रखा है,
स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम क्या करेंगे, मोरनी का पुल्लिंग लिखेंगे। तो मैं सूची बना रहा हूं, पहले आप सूची नोट कर लीजिए और साथ साथ करते ही। मोरनी, उसके बाद आ जाते हैं धोबी, ये पुल्लिंग है, ध्यान दीजिएगा, जो लिंग दिया उसका उल्टा लिंग लिखेंगे, विलोम लिंग लिखेंगे। शेर, शेर पुल्लिंग है। मुर्गा, अगला है चाची, फिर है दादा, नाग, फिर लिखेंगे हम मामी, जो आपको शब्द दे रखे हैं, अब आपको इसका लिंग बदलना है, विपरीत लिंग लिखना है। कभी कभी आपको ऐसा भी प्रश्न दे सकता है कि निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखो, तो पुल्लिंग शब्द दिए होंगे, आपको स्त्रीलिंग रूप लिखना है, या फिर ऐसे भी आ जाएगा निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखो, तो स्त्रीलिंग शब्द पहले दिए होंगे, आपको उसका पुल्लिंग करना है। अगर कुछ नहीं दिया, लिंग बदलो, तो हमें विपरीत लिंग लिखना है। इसका मतलब हमें साफ है कि अगर लिंग बदलो बोला गया है तो विपरीत रहे। तो मोरनी स्त्रीलिंग है, हमें मोरनी का पुल्लिंग लिखना है। मोरनी का पुल्लिंग रूप होता है मोर, आपको पता ही है, मोर, मोरनी का लिंग बदला मोर, धोबी पुल्लिंग शब्द है। अब इसका हमें स्त्रीलिंग रूप लिखना है धोबी का, धोबी, ये हमारे पाठ्य पुस्तक में है, याद रखिएगा, धोबिन। और जो भी प्रश्न आएगा वो पाठ्य पुस्तक से बाहर नहीं आएगा। पाठ्य पुस्तक की जब हम बात कर रहे हैं तो व्याकरण की पुस्तक की भी बात कर रहे हैं, और हमारा जो पाठ्य पुस्तक खुलते पंख है दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके सभी जो लिंग के जो प्रश्न हैं उनका आपको अभ्यास करना है, तालिका का भी अभ्यास करना है। तो धोबी का लिंग हमने बदला, स्त्रीलिंग होता है धोबिन, शेर पुल्लिंग शब्द है, और इसका अगर हम लिंग बदलेंगे तो स्त्रीलिंग होता है शेरनी, शेर, शेरनी। उसी तरह मुर्गा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होता है रूप मुर्गी, मुर्गा मुर्गी। अभी चाची स्त्रीलिंग शब्द है, चाची कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग, और हम इसका रूप लिखेंगे, पुल्लिंग लिखना है चाची, तो चाचा, बहुत आसान है, ये सब बच्चों को आता है। दादा, दादा का दादी, दादी, उसी तरह नाग का नागिन होता है, नाग पुल्लिंग शब्द है, नाग क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसका हम लिखेंगे नागिन, नागिन स्त्रीलिंग रूप होता है। मामी, ये शब्द स्त्रीलिंग है, आपको पता ही है, मामी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग हम क्या लिखेंगे, मामा। तो बच्चे ये था हमारा लिंग बदलो, तो ये अभ्यास हमें जारी रखना है। कल मैं सर्वनाम पे आ जाऊंगा, तो कल मैं पुनरावृत्ति का सातवां पाठ सर्वनाम को हम करेंगे। तो सर्वनाम आपको पता ही है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, और इसका हम लोग अभ्यास इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। जितना अधिक हम व्याकरण में अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक सीखेंगे, तो अधिक सीखने के लिए अधिक अभ्यास। और आपको पता ही है कि व्याकरण में
अच्छे नंबर आ जाते हैं, कम लिख करके भी हमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं और इसको याद करना भी आसान होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।